तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 19 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7 है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारा जो होता है टारगेट, वो 1K लाइक और 40 कमेंट का होता है। जैसे ही आप ये टारगेट पूरा करवा देते हैं, वैसे ही मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड डाल देता हूँ। अगर आप टारगेट नहीं पूरा करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इस एनिमी के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, फिर मैं इस एनिमी को वहीं पर स्टॉप कर देता हूँ, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। चलिए, अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो बबल होती है वो किसी और वर्ल्ड में पहुंच जाती है, वो एक्चुअल में इल्यूजन होता है जो कि ये मून क्रिएट करता है। मून जो है ये इल्यूजन इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मून जो है एक पैड्रोम के अंदर चला जाए, बट वो नहीं चाहता कि वो जो है दोबारा पैड्रोम के अंदर चला जाए, क्योंकि उसे लगता है कि वो तो बिल्कुल एक जेल की तरह ही है। बट यहाँ पर जो डोंग होता है वो समझ जाता है इसके इल्यूजन को। वो कहता है कि तुम जो हो मेरे वीक पॉइंट पर अटैक कर रहे थे, तुम्हें लगा फैटी और स्किनी से तुम मेरे ऊपर अटैक करवाओगे तो तुम मुझसे जीत जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझसे जीत पाना तुम्हारे लिए बिल्कुल ही असंभव है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डोंग है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हें एक एडवाइस देनी है कि तुम जो हो ये जल्दी से ख़त्म करो इल्यूजन को, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। यहाँ जो मून होता है वो कहता है कि मैं जो हूँ एक ही शर्त पर इस इल्यूजन को ब्रेक करूँगा, कि अगर तुम मुझे हरा दो फाइट के अंदर तभी मैं इस इल्यूजन को ब्रेक कर सकता हूँ। अब यहाँ जो डोंग होता है वो कहता है कि तुम्हारे इस इच्छा को भी मैं पूरी करूँगा, और हम देखते हैं कि उनकी फाइट होने से पहले ही यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो लड़कियों ने यहाँ पर खिलाया था जो हमारी बबल है उसको चॉकलेट, वो जो है बहुत ज़्यादा ही रोग रही थी और साथ में डोंग डोंग कर रही थी, यानी डोंग को बुला रही थी। साइड में खड़े स्टूडेंट कहते हैं कि अरे ये डोंग कौन है। फिर यहाँ पर वो जो है निकालती है अपने एक स्लिम को, और स्लिम को निकालते ही वो समझ जाती है कि वो जो है एक इल्यूजन के अंदर है जहाँ सब कुछ नकली है। फिर हम देखते हैं कि वो भी यहाँ पर आ जाती है डोंग के पास। फिर हम देखते हैं कि जो लड़की यहाँ पर उसे छोड़कर जा रही थी उस लड़के को, वो एक्चुअल में यहाँ पर दोस्त होता है डोंग का। डोंग का दोस्त कहता है कि एक्चुअल में तुम फेक हो डार्लिंग। उसकी डार्लिंग कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जो हूँ एक रियल हूँ या फेक हूँ। तो यहाँ पर उसका दोस्त बताता है कि जो मेरी डार्लिंग है ना, वो अपनी मॉम से ज़्यादा प्यार करती है, बट वो अपने डैड से थोड़ा कम बात करती है। तो ज़्यादातर यही होता है कि उसकी मॉम कॉल करती है, बट यहाँ पर तुमने कहा तुम्हारे डैड ने कॉल किया था और वो मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे थे, बट तुम्हारे डैड, मॉम और तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, इसीलिए मुझे पता चल गया कि ये एक इल्यूज़न है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसके डैड अपने डॉटर को भगा रहे थे, वो कहते हैं कि तुम्हें जो है अब शादी करनी पड़ेगी एक ओल्ड मैन से जो 40 साल का है। यहाँ पर वो कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तभी वो 40 साल का बूढ़ा यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि उसके मुंह से लार टपकने लग जाती है उसे देखकर, क्योंकि ये जो है सीसी होती है, जो गेम के अंदर इसका नाम है वो सीसी होता है, और ये भी डोंग की दोस्त होती है। तभी हम देखते हैं कि उसका जो बॉडीगार्ड है वो सामने आ जाता है और कहता है कि मैम जो है वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हैं और मैं तुम्हें इन्हें हाथ लगाने नहीं दे सकता हूँ। तभी उसके डैड का जो बॉडीगार्ड आता है और यहाँ पर उस लड़के को बहुत ज़्यादा मारता है, और यहाँ पर जो लड़की का भाई है वो भी उसे तंग करना स्टार्ट कर देता है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर समझ जाती है सीसी कि ये जो है एक इल्यूज़न है, और वो भी इससे बाहर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फाइट होती है हमारे डोंग की और उस मून की, वो स्टार्ट होने वाली होती है। अब सभी के दोस्त यहाँ पर आ चुके हैं। हम देखते हैं कि डोंग तो है उसे बहुत ज़्यादा मारता है, बट मून जो है वो बहुत पावरफुल प्लेयर है, यहाँ पर वो भी बहुत उसे मारने लग जाता है। यहाँ पर डोंग बचने की कोशिश करता है अपने आईज से, बट वो बच नहीं पाता है।
यहाँ पर जो डोंग है उसके पास भी बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक है जिसे वो करता है। वो कहता है तुम इतनी आसानी से मुझे हर्ट करने वाले नहीं हो। बट हम देखते हैं कि मून जो है इसकी बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर वो कहता है कि मैंने जो है तुम्हारे सॉफ्ट स्पॉट को ढूंढ लिया है, यानी सॉफ्ट जगह को, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ और ये जो तुम्हारा इल्यूज़न है वो बहुत ही बेकार है, ऐसा डोंग बोलता है। बट यहाँ जो मून है वो कहता है कि तुम जो हो एक बहुत ही ज़्यादा वीक पैट हो, तुम्हारे लिए तो मुझे हराना बहुत आसान है। अब यहाँ पर डोंग के सभी दोस्त जो होते हैं वो मिलकर अटैक करते हैं मून पर, जिससे कि मून जो है वो शांत हो जाता है। और फिर हम देखते हैं उसका दोस्त जो है अपने बीबी को हग कर लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने डार्लिंग को पाकर। बट यहाँ जो मून है वो एक अपना लास्ट अटैक करता है जिससे कि उसका पंच यहाँ डोंग के आर पार चला जाता है। बट उसे पता नहीं है कि डोंग जो है एक स्केलेटन मॉन्स्टर है जिसके आर पार जाने पे भी उसे कुछ नहीं होने वाला है। उसे मारने के बाद यहाँ डोंग कहता है कि अब तो तुम मुझसे बात करोगे ना। बट हम देखते हैं उसका दोस्त भी तैयार है उसे मारने के लिए। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वो मून होता है वो यहाँ से भाग जाता है। अब उसे बात करने के लिए बहुत ही मुश्किल हो रही है। मून रात को बैठकर मून ही देख रहा होता है तभी वो छोटा सा पेट जो डोंग का होता है वो यहाँ पर आ जाता है। वो पूछता है कि तुम चाँद को देख कर जूजू क्यों कर रहे थे, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या? तो यहाँ पर जो मून है उसे खाने के लिए दे देता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बताओ ना वो जूजू कौन है। फिर वो कहता है जो मून है कि मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, किसी को बताना मत, क्योंकि तुम्हारे साथ जो बंदे रहते हैं वो मुझे बहुत ही बेकार लगते हैं, मुझे उन्हें कुछ नहीं बताना है। यहाँ पर वो जो है अपनी स्टोरी को स्टार्ट करता है जहाँ पर एक फार्मर जो है उसे कैद कर कर बेचने के लिए ले आता है। बेचने के लिए वो एक यहाँ पर स्टूडेंट के पास ले आता है जो कि एडवेंचर होता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें 80 रुपये देने पड़ेंगे इसके, पर 80 रुपये की जगह वो उसे जो है यहीं पर मार देता है चक्कू, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और उसका स्टूडेंट उसे उठाकर ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो पिंजरे से मून को बाहर निकालता है और उसे कहता है कि अब तुम मेरे हो चुके हो तो मेरे लिए ही काम करोगे। बट वो जो है उससे पहले बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है यहाँ मून को और मून जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो कहता है कि जो भी मेरा मास्टर कहेगा वही तो मैं काम करूँगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो मून है वो काम करने जाता है तभी काम करते वक्त उसे एक लड़की मिल जाती है जो यहाँ पर इसके बारे में ही जानने के लिए आई हुई है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे फाइटिंग स्किल को जानना चाहती हूँ। बट वो जब चलती है तो वो नीचे गिर जाती है। मून उसे आकर उठाता है, कहता है कि मैं अभी मिशन पे हूँ तो मैं तुम्हारे साथ कोई बातचीत नहीं कर सकता हूँ, वैसे तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। फिर वो दोनों जाकर एक पत्थर पे बैठकर ऊपर देखने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर जो जूजू होती है उसके पेट से आवाज़ आती है जिसकी वजह से पता चल जाता है मून को कि उसे भूख लगी है। वो उसे खाने के लिए एक फ्रूट देता है जिसे वो खाकर कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ मून कहता है कि ये फ्रूट तो नॉर्मली है, अभी मैं जो हूँ तोड़ के लाया था पेड़ से। फिर हम देखते हैं कि जूजू को यहाँ एक स्लिम मिल जाता है जिससे वो खेलने लग जाती है। बट स्लिम तो एक मॉन्स्टर होता है, फिर वो उसे मार कर यहीं पर गिरा देता है। फिर यहाँ पर जो मून है वो उसे उठाकर ले जाता है जंगलों के अंदर और साथ में वो बता रहा होता है। यहाँ जूजू बताती है कि जो तुम्हारा मास्टर है ना वो मेरा दूर का भाई है जो गेम खेलता है, जिसे गेम के अंदर तुम उसे मास्टर कहते हो। यहाँ पर जो जूजू है उसे रियल वर्ल्ड के बारे में बताती है। बट यहाँ जो मून होता है उसे तो समझ में नहीं आता कि ये रियल वर्ल्ड होता क्या है। यहाँ पर जो जूजू है वो पूछती है कि वैसे तुम्हारा जो है रियल नाम क्या है। बट यहाँ जो मून है वो बताता है कि मेरा तो कोई नाम नहीं है। तो जूजू ही वो लड़की है जो उसका नाम जो है मून रखती है। वो ऐसा इसलिए रखती है क्योंकि जब लाइट चली जाती है तो सभी लोग गांव में मून को देखने लग जाते हैं, क्योंकि मून जो है वो सबसे खूबसूरत है। इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम जो है वो मून रखा है क्योंकि मेरे लिए तो तुम सबसे खूबसूरत हो। यहाँ जो मून होता है अपने नाम को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। बट हम देखते हैं कि मून यहाँ बताता है कि उससे उसी मुलाकात के बाद वो दोबारा मुझे कभी नहीं मिली। मैं जूजू जूजू करते करते पूरे जंगल में घूमता रहा बट वो नहीं मिली। अब ये सारी स्टोरी उसका पैट डोंग का वो बता देता है। यहाँ पर तभी सीसी आती है और कहती है कि जो वो जूजू नाम की लड़की थी ना अब वो इस दुनिया में नहीं रही। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग चौंक जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
तो तुमसे छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं एक जो हूँ छोटा सा घर ले लूँ, उसके अंदर अपना रूम ले लूँ। वैसे तो मुझे पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, वैसे ही मेरे पास भी नहीं है। बट यहाँ पीछे जो है बहुत नॉइज़ की प्रॉब्लम आती है, तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो नहीं बना पाता हूँ। चाहे मैं कोई सा भी टाइम चूज़ करूँ, यहाँ तो आवाज़ आती ही रहती है। चलो फिर, तुम थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।